अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, जिसका कोड है MGT501। एंड टुडे आई एम हेयर विद यू फॉर लेक्चर नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, बट एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर वी हैव टू गो बैक एंड सी what topic we have covered during our last lecture. That was lecture number 10. And if you recall, it was about line and staff aspects of human resource management. हमने ये देखा कि basically all managers, one way or other, they are performing or they have to perform human resource manager की job उनको करनी पड़ती है. तो उस हवाले से हमने देखना चाहा कि लाइन और स्टाफ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और रियलिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो क्या रोल प्ले कर रहा है. एंड वी आल्सो डिस्कस थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटीज लाइक लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटीज. और फिर उसके बाद आफ्टर द डिस्कशन वी केम टू कंक्लूजन दैट ह्यूमन रिसोर्स इज ए सर्विस डिपार्टमेंट, और उस प्योरली जो डेफिनेशन है उस हिसाब से वी कैन से दैट HR इज ए स्टाफ, दे हैव द स्टाफ अथॉरिटी विच इज टू एडवाइज द लाइन मैनेजर्स आर टू असिस्ट देम. तो ये तो था जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 10 में कवर किया था. एंड लेट्स सी व्हाट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस टुडे. और आज हमने लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स के जो फंक्शंस हैं या डिसीजंस होते हैं. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट रूल रेगुलेशंस. और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको याद हो, मैंने बताया था कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इस सब्जेक्ट को देखिए सही, क्योंकि दैट बुक इज बेसिकली रिटन बाय अमेरिकन एंड दे आर कोटिंग मोस्टली देयर लॉज बेसिक. लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे यहां पे, कि लॉज और रूल रेगुलेशन क्या होती हैं और क्यों आपके लिए एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जरूरी है. और फिर एट द एंड आई ट्राई टू गिव यू जस्ट कोट फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, सो दैट यू शुड नॉट फील कि ये चीजें हमने पढ़ी नहीं. आप इनको जरूर देखिए, समझिए और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक, क्या इस तरह के रूल रेगुलेशन हमें भी चाहिए होते हैं, हमें हम भी इनसे फायदा उठा सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. सो एज आई सेड दैट व्हाई दीज लॉज, इट इज सेड दैट लीगली बाउंड ऑर्गेनाइजेशन और आप रूल रेगुलेशन के तहत काम करते हैं, चांसेस ये हैं कि यू हैव दी कंपेटिटिव एडवांटेज. वो कैसे? अब यहां पे इफ यू फॉलो द लॉज तो आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे आ गई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड. इफ यू आर अवॉइडिंग द लॉ तो नेचुरली क्या होगा कि आपकी लोग परसीव करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है फेयर है. They don't go for illegal activities. They don't discriminate. There is no favoritism there. So that is a good sign. तो जिस organization के बारे में ये reputation होगी या market के अंदर लोग ये perceive करेंगे कि ये अदारे के अंदर fair treatment होती है, तो probability is, chances are that people will prefer to stay there. जब लोग वहीं रहेंगे या आप अच्छे लोग hire कर लेंगे तो फिर ये होगा कि बार बार आपको जो टर्न ओवर रेट कम हो गया, टर्न ओवर कहते हैं कि लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किया फिर छोड़ के चले गए जल्दी, और जितने ज्यादा ऐसे होगा देन वी कैन से दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर टर्न ओवर रेट, और दैट इज अ बैड सिग्नल फॉर द मार्केट. यहां पर लोग टिकते नहीं है इसी वजह से भी, इफ दे आर नॉट हैप्पी देयर ड्यू टू एनी रीजन, तो इसलिए लोग वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं. तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है मार्केट के अंदर. इफ यू
have less turnover due to this year, this reputation or perception of people that this is a fair organization, so what is going to happen? Aapko bar bar advertising or selection or all human resource ke jo process hai, training wagera nahi karni padegi. Aur jab bar bar ye aapko ye activities nahi karni padegi to logically aapki cost kam ho jayegi. Jaise maine ek previous lecture mein bataya tha ki you have a competitive advantage, you need to have a cost control and differentiation. So logically, by acting as per laws of the country or your firm or your organization, you are reducing your cost indirectly because you have less turnover rate. Uske alawa ek to reputation ye hui ki aap fair hai, to usi reputation ke base pe aapki organization ke bare mein ye reputation ban jayegi ki ye bade acche log hain. Aur uski wajah se jaise maine aapse kaha ki अच्छे कॉम्पिटेंट लोग आपके पास ज्यादा ठहरेंगे. जब वो अच्छे ठहरेंगे तो दे विल आल्सो डिलीवर एक्सीलेंस. तो कास्ट भी कंट्रोल होगी और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स आपने रिटेन कर लिए तो लॉजिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू हैव द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. तो जस्ट टू गिव मोर एम्फेसिस अबाउट दिस थिंग, दिस सब्जेक्ट, आई स्टार्टेड विद दिस थिंग कि इफ यू फॉलो द लॉ, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द रूल रेगुलेशंस, they are going to have competitive advantage. With this thought, let's move forward and see what is the legal environment of human resource management or HR department. It is said that manager must understand the legal issues affect the practices of human resource management or HR department ki jo mukhya practices hain un saron ke legal aspect ko us manager ko samajhna zaruri hai. Why it is like that? और कौन से इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, किन इश्यूज का, किन एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं जिसमें उसको उनके रूल रेगुलेशन को और लॉज को समझना है कि स्टेट का लॉ, कंट्री का लॉ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं. अगर आपको याद हो एक लेक्चर के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्कफोर्स चेंज होती जा रही और उसमें एक दो चीजें ऐसी भी थी कि एजुकेशन लेवल हाई होता जा रहा है और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की वजह से they are more aware of certain things, so many things now. तो उस हिसाब से ये legal aspect तो और important होता जा रहा है. क्यों? आज के manager को और ज्यादा careful होना पड़ रहा है क्योंकि employees जो हैं आपके, आपके जो worker हैं, they have more options now. वो किसी वजह से, खौफ की वजह से, डर की वजह से आप अपने ऊपर ज्यादती या कोई भी जो discrimination होगी अदारे के अंदर उसको शायद बर्दाश्त ना करें. और यू शुड मेक श्योर कि आपके इदारे की तरफ से, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो ताकि बहुत सारी बातों से आप बच सकें. सो लेट्स सी व्हाट आर द इश्यूज वेयर मैनेजर शुड बी केयरफुल एंड व्हेन ही या शी इज डिसाइडिंग व्हिच एम्प्लॉयज टू हायर. अब किसको रखना है आपने, क्या रूल उसमें कुछ आपको गाइडलाइन देता है, लॉज कुछ बताते हैं आपको, उसमें भी यू हैव टू जस्टिफाई योर एक्शन कि जी मैंने इस पर्सन को हायर किया तो क्यों किया. बिकॉज इफ यू हैव ए पर्सन विच वॉज नॉट हायर बिकॉज ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन उसके पास उस जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, ही और शी माइट गो एंड सो यू इन द कोर्ट कि जी देखें इसने फेवरेटिज्म किया. तो इसलिए इस बारे में भी ये भी इशू है एक, जिससे लॉ के अंदर रहते हुए हमें केयरफुल होना है. सिमिलरली हाउ टू कंपनसेट एम्प्लॉयज, आपने किसी रूल रेगुलेशन के तहत ही कंपनसेशन डिसाइड करनी है ना. ऐसा तो नहीं है कि यू विल पे 10,000 ए पर्सन एंड अनदर पर्सन हैविंग द सेम जॉब डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब यू माइट से नो के आई विल पे यू 20,000. नो, यू हैव टू जस्टिफाई अगेन. इसमें भी लॉ प्रोटेक्ट करता है. आगे कुछ आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे. सिमिलरली अनदर इशू, व्हाट बेनिफिट्स टू ऑफर देम. Now again, when we are talking about organization, so you have certain responsibilities, stakeholder की, stockholders की, आपकी society की, उसके तहत फिर आपको equal treat करना पड़ेगा. और जब वो उसी वक्त हो सकता है कि when you are following certain rule regulation, certain procedures हैं. And if there are conflicts, if there are certain issues arising in your organization, how to handle them? इसमें भी आपको उस अपनी कंट्रीज के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉज से, रूल रेगुलेशन से
हेल्प लेनी होगी, ताकि यू हैव टू मेक बेसिस, आपको जस्ट कॉज उसका देना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं. एंड इन केस इफ यू हैव टू फायर समबडी, फायर मीन उसको नौकरी से निकालना है, डिसमिस करना है, उसको छुट्टी पे भेजना है, उसको रिटायर कर देना है, हाउ एंड व्हेन टू डू दैट, दैट हैज टू बी डन अगेन अंडर सम लॉज, अंडर सम प्रोसीजर, रूल रेगुलेशन. तो ये भी एक इशू है. इसी तरह देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, जिस जहां पे आपको एज ए मैनेजर लॉज की, रूल रेगुलेशन की असिस्टेंस चाहिए, और उसी के बेस पे आपने डिसीजन करने हैं. बट अगेन, वाई टू वरी अबाउट लीगल इश्यूज? योर बॉस, योर मैनेजर, वाई टू वरी? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू कंपाइल, उसका रिस्पॉन्सिव हो आप, और उस लॉज के तहत, रूल रेगुलेशन के तहत काम कर रहे हो, इट विल हेल्प यू टू डू द राइट थिंग. राइट थिंग फॉर व्हाट? फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर योर कंट्री. तो एक तो सही काम ट्रैक पे रखने के लिए, सही काम करने के लिए लॉज को समझना, रूल रेगुलेशन को समझना बहुत जरूरी है. देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रियलाइज योर लिमिटेशंस. Now, what does limitation mean here? Limitations mean your boundaries. Ki how far you can go. It is again not like that. Don't just perceive it. Ki ji, manager to aap ban gaye, lekin aapne bilkul lakeer ka fakir ki tarah kaam karna. Yes, basic principle to maanne aapne. But still you have some kind of boundaries there. Limitations ki aap kahan tak ja sakte ho. Aur phir agar wo cheez usse aage jana hai, to aage uska kya procedure hoga? किससे आपको उसकी अप्रूवल लेनी है, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे भी आपको लॉ के तहत, रूल रेगुलेशन के तहत उनसे, सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेनी है. व्हाट नेक्स्ट? और अगर आप ये, अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तो नॉट इट इज गोइंग टू हेल्प यू दैट यू शुड डू द राइट थिंग एंड यू शुड, यू विल ऑलवेज get some information, or you will have the idea ke how, what kind of limitation do you have, but it is also going to protect you. Aapko kisse protect kar raha hai ki aapki liabilities kam se kam hongi. Kaisi liability? Jaise maine aapse kaha tha ki if you do something unlawful, kisi ko aapne jati kar di kisi ke saath, to aap bahut sare issues ke andar, problems ke andar apne aap ko involve kar lenge. Now see, if somebody is going to court, कोर्ट की एडजस्टमेंट के लिए भी, इवन आज बाहर की कंट्रीज के अंदर जहां की आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वहां तो सेटलमेंट कराती है कोर्ट, और कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करने पड़ते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स दे हैव टू पे देयर एम्प्लॉयज. और यहां पे भी इफ यू हैव टू फेस द कोर्ट, लॉट ऑफ ऑफकोर्स फीस कोर्ट की होती है, बाकी कंपनसेशन देनी पड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है द बैड रेपुटेशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइम यू आर स्पेंडिंग वेस्टिंग फॉर सच एक्टिविटीज बींग इन्वॉल्व. तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि कोशिश, आप 100% वी शुड ट्राई कि रूल रेगुलेशन के तहत, अंडर लॉज हम अपने काम को करें, सो दैट थिंग शुड स्टे स्ट्रेट एंड वी शुड डू राइट थिंग्स. लेट्स सी किस तरह रेगुलेशन की हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. जब कोई नया एम्प्लॉय आपने रखना है, व्हेन यू आर गोइंग टू हायर सम न्यू पीपल, यहां पे उसका कंसर्न क्या होगा कि उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इन विच और वेयर? व्हेन यू आर सिलेक्टिंग, डूइंग द सिलेक्शन प्रोसेस. ऑफ कोर्स दिस इज ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी. इनिशियल जॉब प्लेसमेंट, कहां पे आपने उसको हायर करना है, भेजना है, प्लेस करना है, वहां भी आप ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके जानने वाले हैं, ये आपके अजीज हैं, इसको तो अच्छी जगह भेज दें और दूसरे को किसी और जगह भेज दें. यू हैव टू जस्टिफाई योर एक्शन. तो लॉ, रूल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि आप किसी के साथ, इस जब कोई नया एम्प्लॉय आपके पास आता है, यू कैन डू समथिंग रॉन्ग विद हिम और हर. सिमिलरली, और कंपनसेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू कैन नॉट फिक्स एट द सेम लेवल विद द सेम कैपेबिलिटीज
with the same qualification, with the, at the same position, you can have different salary structure. Of course, you can say, "Jini, hota hai, hota hoga." But by law, hum aisa kar nahi sakte. Usko sociology mein ek term use hoti hai, dead law. Rule is there, law is there, but कुछ वो जो इन्फोर्स एजेंसीज हैं जिनका जिम्मेदारी होती है शायद उनको इतना और से देख नहीं रहे, लेकिन रियलिटी में लाइज देयर कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट फॉर सच एंड सच थिंग्स. इसी तरह जो करंट एम्प्लॉइज हैं आपके लिए पास काम कर रहे हैं, देर आल्सो कंसर्न, वो कहां पे, दे आल्सो वांट प्रोटेक्शन, और लॉज एंड रूल रेगुलेशन डू प्रोवाइड देम द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. कहां पे अगेन के मुख्तलिफ डायमेंशन जो होती हैं, हमने एचआरएम की बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस में भी, कि जितनी भी वर्क रिलेटेड डायमेंशन है एचआरएम की, वहां पे कहीं भी आप बगैर किसी रीजन के उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. अगेन जैसे मैंने कहा जी, आपको हर एक्शन को जस्टिफाई करना है बाय अंडर द लॉ. अब वो डायमेंशन क्या है, ट्रेनिंग है. अब ये नहीं कि आपने अगर किसी को ट्रेनिंग पे भेजना है और उसके साथ दूसरा जो बैठा है उसको नहीं भेजना, अगेन देयर मस्ट बी सम गुड रीजन, नॉट नो पर्सनल रीजन के जी मुझे वो अच्छा नहीं लगता, या उसने मुझे आंखें निकाली थी, या उसने मेरी बात नहीं सुनी थी. नो, दिस इज नॉट ए रीजन. लॉ कहता है यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, अगेन वहां भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. लाइक किसी को आपने फॉरन पोस्टिंग पे भेजना है, किसी को गाड़ी देनी है ऑफिस की तरफ से, और इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनुअल इंक्रीमेंट, यस यू हैव द राइट टू गिव एक्स्ट्रा टू समबडी, बट अगेन इट शुड बी जस्टिफाइबल कि उसकी किसी परफॉर्मेंस बेस पे उसने बाकियों के मुकाबले में एक्स्ट्रा परफॉर्म किया, यस यू कैन कंपनसेट हिम एक्स्ट्रा, बट फॉर एट द सेम लेवल यू कैन डिस्क्रिमिनेट पीपल. किसी को अच्छी ऑफिस दे देना, और सो मेनी डिफरेंट थिंग लाइक प्रमोशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, कहीं भी आप अनफेयर होके किसी को फेवर नहीं कर सकते. लीगली यस यू आर प्रोटेक्टेड दैट यू कैन गिव सम एक्स्ट्रा बेनिफिट टू ए पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा, और उसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होते हैं, यस ही आर शी हैज डिलीवर एक्स्ट्रा, एंड इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी लॉ को फॉलो करने का फायदा है कि आपको प्रोटेक्ट करता है. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, हमने दो तीन दफा ये लफ्ज यूज किया, ये क्या चीज है, इट इज टू मेक एन employment decisions not on the basis of legitimate job related factors. वो क्या है, हम जब किसी को हायर करते हैं तो आगे हम जब सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे आप देखेंगे कि लेट्स सी आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए. अब लॉजिकली आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसको प्रोग्रामिंग वगैरह आती हो, जिसको कंप्यूटर साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट हो, उसको सॉफ्टवेयर का पता हो कैसे बनाना है. आप ये नहीं कर सकते कि आप एक टेक्नीशियन को ले आए और कहें जी क्योंकि आप भी टेक्नीशियन है आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो तो मोटर वाइंडिंग का काम जानता है, वो गाड़ी का काम जानता है, ठीक है, वो गाड़ी को ठीक कर सकता है, इसलिए आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि आपने सॉफ्टवेयर के लिए उसी को रखा है. तो उन सारी एक्टिविटीज के अंदर अगर आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो लीगल बाइंडिंग है, इसमें यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड, इसको हम एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. लाइक अगेन एनी एम्प्लॉयमेंट डिसीजन इन हायरिंग, प्रमोशन, पे, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, इफ यू फॉरगेट, इफ यू इग्नोर द लीगल फैक्टर्स जो है उसके रिलेटेड, तो आपने डिस्क्रिमिनेट किया, आपने फेवरेटिज्म किया, आपने इलीगल काम किया, आपने अनएथिकल काम किया. अगेन आप उसको उसकी इंटेंसिटी पे जाके उसको उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कैसा काम किया.
और वो जॉब रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, क्वालिफिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, लाइक आपको टाइपिस्ट चाहिए तो आपने उसकी स्पीड देखनी है ना कि एक मिनट के अंदर वो कितने सही लफ्ज टाइप कर सकता है, नॉट ओनली टाइपिंग। वैसे तो आप ऐसे उंगलियां मारने शुरू कर दें कुछ ना कुछ लफ्ज तो आएंगे, बट राइट थिंग करेक्ट। लाइक मैंने एक सॉफ्टवेयर की बात की, तो अगर आप उसका टेस्ट लेते हैं तो आप उसको एक सिचुएशन बताते हैं कि हमें इसमें एक सॉफ्टवेयर बना के दो, क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो वो उसकी प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट होगी कि उसको ये आना चाहिए, फिर वो इस जॉब के लिए फिट इन होता है। तो जब हम किसी की हायरिंग करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, उसकी कंपनसेशन का डिसीजन करते हैं, तो लॉ जो है या इवन योर रूल रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइड यू गाइडलाइन कि यस बेस्ड ऑन सच एंड सच फैक्टर्स यू हैव टू हैव सच एंड सच थिंग्स। लाइक जिस तरह आपने बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यू मस्ट हैव इंटरमीडिएट और ए लेवल विद मिनिमम ऑफ सच एंड सच मार्क्स, लाइक 50% मार्क्स, और अगर कोई स्पेशलाइज एरिया तो उसमें ये कह सकते हैं कि जिसका अगर मेडिसिन में कोई जाता है तो वो कहते हैं उन्होंने बायोलॉजी प्री मेडिकल पढ़ा होना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो कहते हैं प्री इंजीनियरिंग पढ़ा होना चाहिए, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर आना है तो आपसे कुछ कहा जाता है कि ये वो कैंडिडेट हो जिन्होंने मैथमेटिक्स वगैरह ये पढ़ा हो। तो लॉजिकली क्या हुआ कि आपने उन लोगों को लेना है जिन्होंने एटलीस्ट अंडर द जो उनका रिक्वायरमेंट्स हैं डिस्क्राइब हैं उसके तहत ये फुलफिल करें तो आप उनको एडमिशन दे सकते हैं। कभी भी कोई भी अदारा ऐसा नहीं होगा जिसने मैट्रिक बेस पे किसी को बैचलर प्रोग्राम में दाखिला दे दिया होगा या ओ लेवल करके उसने डायरेक्ट उसको बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन दे दिया। सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दोज थिंग यू हैव टू डू ऑल दोज एचआर एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ इट इज ए न्यू पर्सन आर ऑलरेडी वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट इज डिस्क्रिमिनेशन विच इज अगेंस्ट द लॉ। तो वहां पे क्यों आप ऐसा करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ स्टीरियोटाइप्स आपका माइंड में इस तरह की चीज बनी हो, आप अनफेयर हैं, आप किसी को फेवर करना चाहते हैं। यहां पे आप एक लफ्ज नया आपने सुना होगा स्टीरियोटाइप्स, ये क्या चीज है, इट इज अगेन इट हैज टू डू समथिंग विद द परसेप्शन। जब आपने याद होगा शुरू में हमने ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश की तो परसेप्शन एक टर्म यूज हुई, यू परसीव समथिंग। तो अमूमन ऐसा भी होता है कि इंसान अपने जहन में ये बना लेता है कि ये सर्टन ग्रुप है, क्योंकि बेस्ड ऑन बिलोंगिंग ऑफ ए पर्सन टू ए सर्टन ग्रुप आप ये कह सकते हैं कि ये भी वैसे ही बिहेव करेगा, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि जितने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, लेट्स सी आपने परसीव किया है कि उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी जो कंप्यूटर साइंस का आपका आप देखेंगे जिसने कंप्यूटर साइंस में बैचलर या मास्टर किया होगा, आप अगर ये वो उसको डिटरमिन कर लेते हैं कि नहीं इसका मैथ बहुत अच्छा है तो ये आपका स्टीरियोटाइपिंग है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो। तो हायरिंग में भी ये हो सकता है कि आप कहेंगे जी जो आपके इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बड़े दयानतदार होते हैं, वो बड़े मुखलस होते हैं और दूसरे नहीं होंगे, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग टाइप ऑफ थिंग्स। और कई दफा आप जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है इलीगल एक्टिविटीज होती है उसमें ये भी बेस बनती है, या इवन पीपल डू फेवर रिलेटिव्स को बाकी चीजों को, इवन सोसाइटी के अंदर कई दफा ऐसे होता है। अगर आप ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपके पास टेक्स्ट हैं बुक्स हैं अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया उनके जो ब्लैक पीपल थे, जो हिस्पैनिक थे, इवन फीमेल के लिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हुई कि उनको आगे नहीं आने देते थे। तो उसी चीज को हम डिस्क्रिमिनेशन के तहत आज डिस्कस कर रहे हैं। लॉ क्या कहता है, व्हाट इज लेजिटिमेट थिंग, लॉ कहता है लॉ ऑलवेज प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशंस। रिमेंबर वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज,
generally we are not talking about laws, there are so many different laws there. So law prohibits, rokta hai discrimination ko kahan pe? In hiring, in compensation, in terms and conditions. Terms and conditions kya hoti hai ki aapko kya kya cheeze aur extra benefits milenge. ये तो नहीं आप कर सकते ना, किसी को हायर किया आपने कहा 8 घंटे आओ, किसी का नहीं यार तुम आराम से 2 घंटे आया करो. अदर पर्सन कैन से व्हाई इट इज लाइक दैट. सो अंडर द लॉ इट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्क्रिमिनेट इन हायरिंग, कंपनसेशन, इन टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिविलेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, religions, color, gender, nationalities, physical disabilities and so on. Now law protects or prohibits you to discriminate on the basis of, as I said, race, color, religion even. हम ये नहीं कह सकते कि being अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, मुस्लिम कंट्री हमारा, मेजॉरिटी मुसलमान है यहां पे, कि हम इस बेस पे किसको जॉब नहीं देंगे क्योंकि ही आर शी इज नॉन मुस्लिम. नो, दे हैव द इक्वल राइट्स, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस इवन इफ दे आर नॉन मुस्लिम, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते इस बेस पे कि वो किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है. इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन हैज ए फेयर कंप्लेक्शन सो ही हैज द एडवांटेज एंड ही हैज अ टिंटेड कलर, इसलिए उसको आप हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन, सेम कैलिबर के होते हुए आप इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है. सेम विद जेंडर, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज वो फीमेल है, या किसी जॉब में मेल को फेवर करना है या फीमेल को. यस, कुछ स्पेशलाइज जॉब हो सकती है जहां पे आप कह सकते हैं कि उसमें रूल, अगेन द लॉ हेल्प यू देयर, कि इसमें सच एंड सच लोगों को आप कोशिश करें कि उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जनरलाइज कोई चीज नहीं है. सिमिलरली नेशनल ओरिजिन की बात करते हैं. लेट्स सी इन पाकिस्तान इफ वी हैव, ऑफकोर्स वी नीड के फर्स्ट ऑल दो जॉब्स पाकिस्तानी सिटीजन कैन अप्लाई. लेट्स सी, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो किसी ने कहीं और पैदा हुआ था, उसने पाकिस्तान में आके शरीयत ले ली, नाउ ही या शी विल बी ट्रीटेड इक्वली. यू कैन नॉट से कि नहीं जी ये तो बाद में आए थे क्योंकि पैदा कहीं और हुए थे, इसलिए इनको जॉब नहीं दे सकते. अगेन लॉ प्रोहिबिट सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फिजिकल डिसेबिलिटीज, पीपल विद स्पेशल नीड्स, अगर वो क्वालिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आप अंडर द लॉ उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आर हैंडीकैप्ड. और हम आजकल हैंडीकैप लफ्ज़ यूज नहीं करते, कहते हैं कि विद स्पेशल नीड. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे? इन जान चीजें जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा भी कुछ हो सकती है. रेस है, रिलीजन्स है, कलर है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड दे आर फुलफिलिंग, दे आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और वो जो जिस किसी चीज के लिए जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, तो फिर आप उनको, किसी को आप हायर करेंगे तो उसके लिए फिर प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए. इन बेसिस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. और इस चीज को हम कहते हैं फेयर एम्प्लॉयमेंट. उसी के तहत चंद वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस लॉज वर क्रिएटेड, और दुनिया में इसका आजकल आपकी बुक्स जब पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की चीजें याद आएंगी या नजर आएंगी, जिसको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं. तो ये क्या चीज हमने देखी? फेयर एम्प्लॉयमेंट. तो फेयर एम्प्लॉयमेंट में क्या है? दैट इज अ सिचुएशन इन विच, अगेन, व्हेन वी डोंट डिस्क्रिमिनेट.
in which employment decisions are not affected by illegal circumstances. Discrimination वगैरह से आपने हट के जब सारी action activities की तो हम उसको fair employment और fair deal कह सकते हैं. Again, what is this EEO or unfair discrimination जिसके बेस पे ये law बना? Equal employment opportunities को कहते हैं. What is EEO? इसको abbreviate करते हैं और आपकी book के अंदर इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है. EEO is a combination of legislative rule regulations हैं. Again, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपकी book American authors की लिखी हुई है और reference की quote अपना ही कर रहे हैं. वहां की स्टेट्स, फेडरल गवर्नमेंट और मुख्तलिफ एजेंसीज ने जो रूल रेगुलेशन किए बनाए गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ने, टू इंश्योर दैट यू हैव फेयर एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नो चांसेस फॉर द डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट. इसको ईईओ कहते हैं. जॉब एप्लीकेशन मे नॉट बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन वो जो मैंने आपको पैरामीटर बताए थे, बेसिस बताई थी जिसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. इस बेस पे नहीं आपने उसकी जॉब रखी या उसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो उसका रंग थोड़ा सा सांवला है. इस बेस पे आप उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका जो है वो ओरिजिन जो है वो कहीं और पैदा हुआ था, बाद में पाकिस्तान में आकर सेटल हुआ. इस बेस पे आप उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ही और शी इज नॉन मुस्लिम, या वो लड़की है इसलिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो लड़का या इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता प्रोवाइडेड के कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर, तो इसको हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू अ लॉ विच इज इन योर टेक्स्ट बुक इज अफर्मेटिव एक्शन. व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन? इसकी फिलॉसफी ये है, दैट इज आल्सो ए स्ट्रेटजी इंटेंडेड टू अचीव फेयर एम्प्लॉयमेंट. फॉर व्हाट? फॉर होम? उन लोगों के लिए जिनको माजी में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनको इनकरेज करने के लिए, अर्ज करने के लिए आप मुख्तलिफ उनके लिए एक पुशिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ताकि उनके साथ जो माजी में ज्यादती हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है उनके साथ, उसको थोड़ा सा कंपनसेट किया जाए ताकि दे शुड ऑल्सो कम अप एट द सेम लेवल इन द सोसाइटी, और जो उनके अंदर एक महरूमी का आंसर है उसको भी खत्म किया जाए और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए. इसमें क्या करते हैं कि स्टेप्स आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन. जैसे हमने अभी आप ही के बुक के हवाले से अमेरिका की मिसाल दे रहे थे, तो वहां पे देखा गया है कि शुरू में काफी डिस्करेज किया जाता था व्हाइट्स के लिए, डिफरेंट रूल रेगुलेशन थे और ब्लैक पीपल के लिए डिफरेंट, लोकल्स के लिए डिफरेंट होते थे और दूसरों के लिए डिफरेंट है. तो अब उसी को देखते हुए एक सिविल राइट्स जो थी उनकी मूवमेंट, उसके बेस पे ये एक्टिविटी शुरू हुई, इस तरह की एक्शन शुरू हुए कि ये लोग पीछे रह गए हैं, सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बन सकते, तो वाई कांट वी जस्ट इनकरेज देम एंड फैसिलिटेट देम. आपने देखा होगा इवन हमारे यहां पाकिस्तान में कई पोस्टें आती हैं, उसमें लिखा होता है कि विल इनकरेज और वी विल गिव मोर प्रेफरेंस टू फीमेल इफ दे विल अप्लाई फॉर सच पोस्ट. अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारे यहां भी समझा जाता है कि चंद साल पहले तक हमारा इस सोसाइटी के अंदर हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एजुकेशन की कमी थी, सोसाइटी के और बड़े फैक्टर थे कि हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सोसाइटी का, हमारी कौम का 50 से ऊपर से ऊपर है, दे कुडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट एंड कम टू द लेवल वेयर द मेल पार्टनर जो है वो इस वक्त सोसाइटी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं. आप देखें किसी जगह भी मेल और फीमेल पॉपुलेशन में हेल ऑफ डिफरेंस यू कैन फाइंड देयर. तो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट लॉ इवन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव दिस स्ट्रेटजी कि उसको इंकरेज किया जाए. इसी तरह हम चंद सीटें अब फिक्स कर देते हैं उनके लिए कि नहीं सिर्फ इस पर वही लोग पाटा से आएंगे, बाकी रिमोट एरिया से लोग अप्लाई करें ताकि उन इलाकों की भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बाकी जो कंडीशन है उसको अपग्रेड किया जाए. इस तरह की एक्टिविटीज को हम अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं जो अंडर द लॉ इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है. लेट्स सी कि व्हाट आर दोज मेजर्स
federal laws and which are given in your textbook. लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले एक दफा और रिमाइंड करा दूं आपको, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इस लेक्चर का बेसिक मकसद जो आपको वो लॉज जो है ना उनको मेमोराइज कराना नहीं है, क्योंकि वी माइट नॉट बी हैविंग द सेम लॉ हियर एंड वी आर नॉट हैविंग द सेम टाइप ऑफ, और उनकी जो लॉ का जो रेफरेंस है वो तो वो ये नहीं है हमारे पास. बेसिक मकसद जो है, द बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपको देना कि लॉज होते क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, और एज ए मैनेजर आपको कहां कहां इनकी जरूरत पड़ती है और कहां पे अगर इससे डेविएट करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग. लेकिन क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये लॉज हैं तो मैं सिर्फ चंद एग्जांपल यहां पे कोट करूंगा जस्ट टू ट्राई टू कीप यू एट द ट्रैक एंड व्हेन यू गो बैक एंड डू ट्राई टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस देयर वाज अ शिफ्ट. वो क्यों ये क्योंकि रूल रेगुलेशन तो रोजाना नहीं बनते हैं, हर दिन चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आपको अपने रूल रेगुलेशंस को भी लॉज को भी एडजस्ट कराना पड़ता है, अमेंडमेंट आती हैं ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम डेवलप किए जाए. तो लेट्स सी, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड रिमेंबर अगेन दिस इज फ्रॉम यूएसए. इक्वल पे एक्ट 1963 एक एक्ट है जिसको इक्वल पे एक्ट कहते हैं, अपना 1963 का. ये क्या कहता है, ये आपको रोकता है बाय लॉ के यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द पे बेस ऑन जेंडर और सेक्स. अब ये नहीं कर सकते कि एक ही पोजीशन पर, लेट्स सी यू हैव अ प्रोफेसर मेल प्रोफेसर एंड यू हैव अ फीमेल प्रोफेसर विद द सेम ग्रेड विद द सेम क्वालिफिकेशन विद द सेम पोजीशन द सेम डिपार्टमेंट. अब ला कहता है कि इन दोनों की सैलरी में फर्क नहीं होना चाहिए. आपको सीनियरिटी के हिसाब से इंक्रीमेंट लगती है, वो चेंजेस आती हैं. ये बेसिक पहला इक्वल पे एक्ट था जिसमें इसको प्रोटेक्ट किया गया. पहले ये समझा जाता था कि नहीं यार, मेल जो है इसको ज्यादा सैलरी दे, फीमेल को कम दे. और इस कंसेप्ट को आपकी किताब के अंदर कहीं ग्लास सीलिंग इफेक्ट भी देखा गया. दे कॉल इट ग्लास सीलिंग इफेक्ट. व्हाट इज दैट ग्लास सीलिंग इफेक्ट? थोड़ा सा आपको ग्लास सीलिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताऊं. ये एक फिलॉसफी इस तरह की है कि अभी भी है, और सो कॉल्ड जो डेवलप्ड सोसाइटी जिनको हम कहते हैं वहां अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है कि फीमेल पार्ट जो है उस सोसाइटी का और जो वो जो माइनॉरिटीज हैं बेसिकली वो एक खास स्टेज तक अपने कैरियर में आगे जा सकते हैं. उससे आगे दे कैन सी कि देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स देयर बट दे कैन नॉट रीच देयर. अंडर द लॉ ऐसा नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट रोका जाए, लेकिन वो ऐसा सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाता है कि उससे आगे वो जा नहीं सकते. उसको ग्लास सीलिंग इफेक्ट कहते हैं. लेकिन यहां हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वल पे एक्ट. तो दैट एक्ट फॉरबिड्स, रोकता है किसको, कि आप जेंडर बेस पे या सेक्स बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पे में, जब आप एक ही परफॉर्मेंस के एक ही रिक्वायरमेंट के एक ही पोजिशन के लिए मेल और फीमेल को रखते हैं तो आपको एट पार उसको सैलरी देनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा. सिमिलरली अनदर एक्ट फ्रॉम योर टैक्स, सिविल राइट एक्ट 1964, जिसको बाद में अमेंडमेंट भी हुई, उसको टाइटल 7 कहा जाता है, ऑफ अमेंडेड इन 1991 में. वो क्या कहता है, टाइटल 7 ऑफ सिविल राइट एक्ट, दैट एक्ट फॉरबिड्स यू एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए मैनेजर एनी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वही कलर, रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनल रिलीजन, कि आप उनको इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. तो अमेरिका के अंदर भी इस तरह का लॉ है जिसको हम टाइटल 7 ऑफ सिविल राइट एक्ट कहते हैं. सिमिलरली अनदर एक्ट आपने देखा होगा, इसी तरह सिविल राइट एक्ट में बहुत सारे और उसकी आगे जो हैं, जिस तरह हरासमेंट एक्ट है उसकी प्रोटेक्शन है, बाकी जो उनकी मुख्तलिफ किस्म की आपको उसमें रेफरेंस मिलेंगे. I'll try that put something there on your lecture notes too. But you have a complete whole chapter in your textbook about these class things. Another act, Age Discrimination in Employment Act, that was in 1967, जिसको ADEA भी कहते हैं, abbreviation है, Age Discrimination in Employment
एक्ट ये क्या कहता है, ये प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जिनकी एज 40 या उससे ओवर होती है, कि आप उनको इसलिए फायर नहीं कर सकते, इसलिए फायर नहीं कर सकते कि आप वो 40 साल के हो गए। शुरू में इसकी लिमिट 40 टू 65 थी, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, हमारे यहाँ 50 एज लिमिट पहले 55 थी, फिर 58 हुई, कुछ अर्सा 60 सुना गया, लेकिन देन अगेन दिस 58, तो दे ऑलवेज लॉज भी चेंज होते रहते। अगेन देर वॉज अमेंडमेंट एंड इट वेंट फ्रॉम 40 टू 70 ईयर ऑफ एज। इसकी बेसिक थीम क्या है, वही कि किसी को आप जबरदस्ती इसलिए रिटायर नहीं कर सकते कि वो एज अगर वो डिलीवर कर रहा है, एंड स्पेशली इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एजुकेशन में, इफ ए प्रोफेसर इवन ही इफ ही आर शी इज 60 ईयर आर मोर देन दैट, एंड इफ यू थिंक वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ठीक ठाक है, सेहत अच्छी है, तो यू कैन जस्ट फायर हिम और यू कैन जस्ट रिटायर हिम, बस काफी हो गए। नहीं, हाँ कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी स्किल चाहिए जिसमें शायद ये चीज ना इंप्लीमेंट होती हो, बट अगेन दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए। सिमिलरली अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1990, ADA जिसे कहते हैं, इसमें वो लोग जिनकी जिनको हम डिसेबल किसी दौर में कहा जाता है, लेकिन अब उनको पीपल विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना। हमारे यहां भी पाकिस्तान के अंदर इट इज लीगल मैंडेटरी आपके लिए, जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उन्होंने कुछ परसेंट कोटा भी इवन रखा हुआ है कि डिसेबल या पीपल विद स्पेशल नीड आपने उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, लेकिन ये जिस हम जिस एक्ट की बात करते हैं इसमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटीज। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, वही चीज कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट देयर स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज। अफर्मेटिव एक्शन जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो क्या था, कि वो लोग वो सोसाइटी का हिस्सा, वो माइनॉरिटीज जिनको माजी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनको डिस्करेज किया गया, उनको चांस नहीं दिया गया कि वो भी सोसाइटी के अंदर अपने एक अच्छे मकाम पे पहुंचें, उनको फैसिलिटेट करने के लिए आपको बाई लॉ इजाजत थी या बताया गया कि स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई कि उनको पुश किया जाए। उसके लिए स्पेशल अमेरिका की जब हम बात करते हैं, देयर वाज अ स्पेशल एग्जेक्टिव ऑर्डर दे कॉल इट, इट वाज नॉट अ लॉ बेसिकली, इट वाज एग्जेक्टिव ऑर्डर्स 11246 एंड 11375, एंड दैट रिक्वायर कंपनीज विद फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स टू डेवलप अफर्मेटिव एक्शन प्लान। वो कंपनीज जो फेडरल उसके अंदर आती थी उनके लिए जरूरी हो गया कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के प्लान बनाएं जिनको AAPS कहते हैं, जिसका मतलब है अफर्मेटिव एक्शन प्लान, कि किस तरह वो जो माइनॉरिटीज हैं, वो जो जिनके साथ माजी में प्रॉपरली उनको नहीं चांस दिया गया, उनको किस तरह आपने फैसिलिटेट करना है। तो ईच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू डेवलप सम प्लान्स, टू डेवलप सम स्ट्रेटजीज, सो दैट यू कैन हेल्प देम टू कम अप टू द सोसाइटी एट द लेवल ऑफ अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और उसमें क्या किया जाता है कि उनको थोड़ी सी प्रोफेशनल उनको फेवर की जाती है, कहां पे, इन रिक्रूटिंग एंड इन हायरिंग, कि आप उनको मोटिवेट करते हो, स्ट्रेटजी ऐसे बनाते हो, इंसेंटिव ऐसे देते हो कि दे मस्ट कम एंड ट्राई फॉर दैट जॉब। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे यहां आपने देखी होंगी एड अखबार में, उसमें कहा जाता है कि वो द प्रेफरेंस विल बी गिविंग टू फीमेल्स, व्हाट इज दैट, दिस इज अफर्मेटिव स्ट्रेटजी फॉर द अफर्मेटिव एक्शन, कि आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको इनकरेज किया जाता है कि आप अप्लाई करें तो सही, कंपीट करें, और फिर हायरिंग में भी इफ यू हैव बोथ लाइक्स मेल एंड फीमेल विद द सेम कैलिबर सेम कैपेबिलिटी, तो नाउ अंडर दिस स्ट्रेटजी द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट माइनॉरिटी और जो लेफ्ट ओवर है या फीमेल, लेट्स सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो उनको चांस दें कि वो आगे हैं ताकि वो भी मार्केट में अपने सॉरी सोसाइटी के अंदर अपना वो मकाम बना सकें, अपना वो रोल प्ले कर सकें। सो वेयर आर वी नाउ, रूल रेगुलेशन को लास्ट को समझने की कोशिश की, व्हाट नेक्स्ट,
So, what are the issues then? Issues are that human resource management practices may be challenged by anyone. So, whatever action you will do, because you are dealing with the people, and here if somebody is hurt, they will challenge it, they will go in the court or they will go to the higher authorities. So, phir kya hua? So, you, when you are making a decision, you have to make sure that it is as per rule, as per provision of the law. Kyunki jo bhi aap decision karenge, that is challengeable in the court of law, in the authorities, and even within your organization. Aur phir, what option do you have? You have to defend your decisions. Explain it. What was the reason? कि आपने इसको नहीं हायर किया, इसको हायर किया, इसको कंपनसेशन कम रखी, इसकी ज्यादा रखी, ए को ट्रेनिंग पे भेज दिया, बी को भी नहीं, बी को नहीं भेजा, ए की पोस्टिंग इधर कर दी, दूसरे की नहीं की. यू हैव टू डिफेंड योर डिसीजन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट आर फेस द म्यूजिक. व्हाट इज म्यूजिक हियर? द कॉन्सिक्वेंसेस. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सू, जैसे अमेरिका की हम मिसाल दे रहे हैं वहां पे, तो दे कैन सू यू एंड फिर एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कंपनसेशन में देना पड़ता है. न सिर्फ ये है बल्कि बैड रेपुटेशन इज देयर इन द मार्केट. सो एज एच आर मैनेजर यू शुड बी रेडी ऑलवेज, वट एवर डिसीजन यू मेक, इफ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, देन यू आर लायबल, एंड यू आर लायबल फॉर वट? दे कैन सू इट. They can go in the court or they can apply to higher authority, and you should be ready for your defense. You have to defend your decision, you have to give the explanation, or then face the music. So I hope that you might have now some idea about these rule regulations, last things, aur kuch cheeze jo aapke tax ke andar important, jo do teen humne discuss ki hai. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अफर्मेटिव एक्शंस, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यूएसए के एक्ट्स, जो उनके लॉज हैं, उनके दिए. यहाँ पे आपको काफी सारे रेफरेंस और मिल जाएंगे वहां पे. डू स्टडी देम, डू रीड देम, बट लेट्स सी, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके पे समराइज करने की कोशिश करते हैं. मैनेजमेंट, शुरू की एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, that management must understand the legal issues that affect the practices of HRM. Why? Because there are certain activities which are already protected by laws, and law prohibits you for any kind of discrimination based on certain such, jo maine bataya aapko, races, color, origin, gender or whatever. Kyunki सिर्फ लॉ ही नहीं है, रूल रेगुलेशन ही नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, देयर सर्टेन अदर स्टेक होल्डर्स, सोशल स्टेक होल्डर उनको हम कहते हैं, सोसाइटी का जो एज ए होल, देयर आर आल्सो वाचिंग यू एंड इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर परफॉर्मेंस और आपकी डिलीवरी. वो स्टेक होल्डर कौन कौन से? सोशल, सोसाइटी इटसेल्फ, दैट सोसाइटी इज देयर, सोसाइटी इज गिविंग, वॉचिंग यू. Within the society you have your community. आप किसी particular area में काम कर रहे हैं तो वो community आपकी watch कर रही है. Your stakeholder, stakeholders कौन से होते हैं? दो किस्म की आपको term मिलती है, एक होती है stockholder, एक होती है stakeholder. आपको पहले भी शायद इसी lecture में मैंने explanation दी है. So, by the way, what is difference between stockholder and stakeholder? I remember we have discussed this thing somewhere in previous lectures. तो स्टॉक होल्डर किसे कहते हैं? वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है फाइनेंशियली, दे कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और योर पार्टनर्स. एंड वाइल स्टेक होल्डर्स आर एनी बॉडी हु इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, लाइक सप्लायर हो सकते हैं,
कस्टमर हो सकते हैं, सो ऑन। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ना सिर्फ रूल रेगुलेशंस आर रेगुलेटरी बॉडीज, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बट योर सोशल स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो वॉचिंग यू, और उसमें कम्युनिटी आती है, आपके स्टेक होल्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं, आपके इवन एम्प्लॉयज आते हैं कि इफ यू डू समथिंग अनफेयर, इलीगल, अनएथिकल, तो देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक अगेन। एंड म्यूजिक कैन बी वेरी बैड देयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल म्यूजिक। मकसद यह है कि आपका रेपुटेशन अच्छी नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो ये अनफेयर इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, इट कैन गो लॉन्ग रन, पीपल विल क्विकली ऑब्जर्व इट, दे विल आइडेंटिफाई इट एंड देन यू विल बी इन ट्रबल। तो फिर क्या कोशिश होनी चाहिए कि यस, एज ए गुड सिटीजन, एज ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड फॉलो द रूल रेगुलेशन, लॉज के तहत काम करना चाहिए। तो क्या होगा, वो जो शुरू में मैंने आपको स्लाइड बताई थी, सो इफ यू फॉलो द रूल्स और लॉज, विल बी सेफ फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रबल। नॉट ओनली दिस, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग अच्छा परसीव करेंगे, आपकी टर्नओवर रेट लेस होगी, आपकी कास्ट सेविंग होगी, आपके पास कंपेटेटिव लोग आएंगे, और अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू हैव कंपेटेटिव एडवांटेज ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज जहां से हमने इस लेक्चर के लिए शुरू की थी, वहीं पे मैं इसको एंड करूंगा कि बाय फॉलोइंग रूल रेगुलेशंस, लॉज ऑफ द कंट्री, लॉज ऑफ द सोसाइटी आर इवन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन हैव द कंपेटेटिव एडवांटेज। तो आज के लेक्चर के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने उस सारी डिटेल नहीं आपके साथ डिस्कस की जो आपकी टेक्स्ट के अंदर है, बुक के अंदर है, दैट इज फॉर रेफरेंस ओनली, लेकिन बेसिक इसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की ताकि आपको अंदाजा हो कि जो भी, ये ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे, ये एक फंक्शन की बात नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन की, इवन द रियल लाइफ तो वी हैव टू गो बाय लॉ। सो व्हाट अबाउट द लेक्चर नंबर 12, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, विल स्टार्ट विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि अंडर ग्रेजुएट क्लास है आपकी, बेसिक प्लानिंग से शुरू करेंगे, प्लानिंग होती क्या और क्यों करते हैं, और देन विल मूव टूवर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। बट अगेन माई कंसर्न विल बी कि क्या आप उसको पहले पढ़ के आते हैं कि नहीं, तो पहले पढ़ लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। सो लेट्स स्टॉप इट हेयर टिल नेक्स्ट टाइम, एंड वी अगेन डिस्कस नेक्स्ट टाइम द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।